हे एवरीवन, वेलकम टू शोम्स आईएएस। मैं हूँ शिवांगी शर्मा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हम यूनिट टू ऑफ क्लास 11th इकोनॉमिक्स। सो क्लास 11th इकोनॉमिक्स के यूनिट टू, उसका नाम है सोशल रिफॉर्म्स सिंस 1991। ठीक है, सोशल रिफॉर्म सिंस 1991। सो दिस इज चैप्टर नंबर, अच्छा पहले हम देख लेते हैं, सॉरी दिस इज चैप्टर नंबर 3 विच इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। ठीक है, देखते हैं इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सो हियर हम पढ़ने वाले हैं हमारे रिफॉर्म्स का बैकग्राउंड, कैसे रिफॉर्म्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए, उसके बाद मैकेनिज्म जिसके थ्रू हमारा मतलब रिफॉर्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई, और प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसका एप्लीकेशन इंडिया में, और हम अवेयर होंगे इम्पैक्ट से। ठीक है, जो भी रिफॉर्म का इम्पैक्ट पड़ा वेरियस सेक्टर्स पे। ठीक है, सो हियर वी आर विद द चैप्टर। सो वेरी फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इंडिपेंडेंस ही, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, लास्ट चैप्टर से चीज़ें आपने लास्ट चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था उससे चीज़ें कनेक्ट करते हुए चलना। ठीक है, तो हमने जैसे लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी थी कंबाइनिंग द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स एंड सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, तो हुआ क्या कि 1991 में इंडिया को फेस करना पड़ा एक इकोनॉमिक क्राइसिस रिलेटेड टू एक्सटर्नल डेट। मतलब हमारी गवर्नमेंट एबल नहीं थी, वो रीपेमेंट नहीं कर पा रही थी वो सारे जो भी उन्होंने कर्जा लिया था। ठीक है, कर्ज क्यों लिया था, बिकॉज हमने ऊपर पढ़ा कि इंडिया यानी कि हमारी ही कंट्री में कि खाने का इनसिक्योरिटी आनी शुरू हो गई थी और कंट्री में बहुत ही गरीबी आ गई थी, बिकॉज कोई भी सेक्टर जीडीपी में इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहा था। इसके वजह से गवर्नमेंट ने लिया लोन, नॉट लोन बट ने डेट उठाया। ठीक है, और गवर्नमेंट उस डेट को पे करने के लिए अनसक्सेसफुल रह गई और वो पे नहीं कर पाई, इंटरेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं। तो क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं थे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्यों नहीं थे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हम लोगों ने इतने ट्रेड बैरियर्स और कोटास लगा दिए थे कि कोई भी इंटरनेशनल, क्योंकि हम इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर पा रहे थे बिकॉज, है ना, इसलिए हमारे पास तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ही नहीं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है हमारे रिजर्व में कितना फॉरेन करेंसी है। ठीक है, तो फिर हम इंपोर्ट कर रहे थे कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि पेट्रोल और जो भी इम्पोर्टेंट लोग चीज़ें जो हमें चाहिए होती है, और हमारे पास, और हम उसको पे करने में सफिशिएंट नहीं थे, और ऐसे हमें इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करने को मिली। ठीक है, सो अब देखते हैं बैकग्राउंड। एज वी नो डैट फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेरियस पॉलिसीज इट्स जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट फंड्स फ्रॉम, मतलब गवर्नमेंट फंड्स कहाँ से ऑर्गेनाइज करती है ये बताओ पहले। क्योंकि देखो इतने सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने निकाल के रखी है बच्चों के लिए, वुमेंस के लिए, गरीबों के लिए, विलेजेस के लिए, फार्मर्स के लिए, उसके लिए जो भी सब्सिडीज निकाली उसके लिए पैसा कहाँ से आता है, हम टैक्स देते हैं, और जो भी पब्लिक एंटरप्राइजेस मतलब आता है, बट पब्लिक एंटरप्राइजेस तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस तो चलने ही नहीं दी ना गवर्नमेंट ने, सिर्फ टैक्सेशन, टैक्सेशन से वो इतने सारे रिफॉर्म्स नहीं चला सकते। ठीक है, इतने सारे सब्सिडीज खोल के रखे बट उनके पास पैसे ही नहीं है इतने, और गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट बैंक से जो भी पैसे लेती है उससे और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसे लेती है उसको पे करने में सफिशिएंट नहीं रह पाती। इसके लिए जो भी डिफिसिट वगैरह था वैसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, ताकि मतलब गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाके बात करती है कि आप हमें थोड़ा सा लोन दो ताकि हम अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सकें। तो कंट्री में तो हम ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजेशन जैसे चैलेंजेस को फेस कर ही रहे थे, और एक और चैलेंज आ गया। ठीक है, द इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज़ नॉट वेरी हाई, पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से भी इतने कुछ हाई नहीं मिल रहा था हमें, ना कुछ ज़्यादा मतलब इनकम नहीं आ रही थी, और हमारे फॉरेन एक्सचेंज में भी कुछ था ही नहीं। ठीक है, हम जो भी दूसरे कंट्री से हमने बोरो किया था और जो हमने इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमने जो बोरो किया था वो मतलब जो कंजम्पशन नीड्स है उन्हीं को पूरी करते करते वो सब कुछ ख़त्म हो गया। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन आ गई तो इंडिया ने अप्रोच किया
आर इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD. उस टाइम पे उसको IBRD बोलते थे एंड टुडे इट्स नोन एज वर्ल्ड बैंक एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ठीक है, और हमें $7 बिलियन का लोन मिल भी गया इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए. बट उसके बाद कुछ कंडीशंस रखी वर्ल्ड बैंक और IMF ने हमारे सामने कि हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करें इंडिया में. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जो हम अभी करते हुए आ रहे थे उसको छोड़ के. तो हमने क्या किया, तो उन्होंने ऐसा बोला कि हम अपने हमने जो हमारी जो इकोनॉमी है उसका एनवायरनमेंट को कम्पिटिटिव बनाए सारे बैरियर्स को हटाकर, और जो ग्रोथ है उसकी भी फर्म करे. ठीक है, सॉरी, जो फर्म है उसकी भी ग्रोथ करे. इसकी वजह से जो थे इनको दो, मतलब ऐसे पॉलिसीज़ को दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया, स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चुलर. ठीक है, स्टेबलाइजेशन में क्या है, एक मिनट, हाँ, स्टेबलाइजेशन शॉर्ट टर्म मेजर्स है जिसमें हम ना जो वीकनेस है उसको करेक्ट कर रहे हैं और जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल में ला सकें. तो ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, इसका मतलब यही है कि ये जो भी फॉरेन एक्सचेंज है ना उसकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और जो प्राइजेस बढ़ रही है उसको कंट्रोल में लाने के लिए है. ठीक है, और इन द अदर हैंड जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे वो लॉन्ग टर्म मेजर्ड थे. ठीक है, जिसमें हम इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस के बारे में बात कर रहे थे. ठीक है, वर्ल्ड लेवल में जब हम हमारी इकोनॉमी को हम इंटरनेशनल लेवल में कैसे कर कैसे यू नो ट्रीट करेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स है इंटरनेशनल लेवल में वो हटाने के लिए. ठीक है, तो इसके लिए तीन हेड्स बनाए गए विच वॉज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, LPG. वट इज़ लिबरलाइजेशन? एज सेइंग द नेम, लिबरलाइजेशन में हम लोगों ने वो सारे रेस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया जो हमने बनाए थे, सारे रेस्ट्रिक्शन जो हमने कोटास लगाए थे और हमने जो ट्रेड बैरियर्स बनाए थे उन सभी को हमने हटा दिया ताकि हमारी कंट्री लिबरलाइज हो और फॉरेन एक्सचेंज के लिए जाए. ठीक है, 1980s में जो भी लाइसेंसिंग थी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी को लेके कि और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, जो फिस्कल पॉलिसी थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट थे, फॉरेन रिफॉर्म पॉलिसीज थी 1991 में, सभी को और कम्प्रीहेंसिव बनाया गया. और जो लाइसेंस का फंडा था कि आपको हर अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी लाइसेंस की ज़रूरत है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत है, ये सब कुछ को हटाने की बात हुई. ठीक है, और उसके अलावा जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर था, फाइनेंशियल सेक्टर था, टैक्स रिफॉर्म्स थे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स थी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स थे, उनको भी ज़्यादा अटेंशन दिया गया 1991 में. ठीक है, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया, रेगुलेटरी मशीनरी वॉज इन्फोर्स्ड इन वेरियस वेज. देखो, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जो भी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी ना, सबसे पहले तो उसको हटा दिया गया कि अब कोई भी फर्म को स्टार्ट करने के लिए या क्लोज करने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत या गवर्नमेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ कर दिया गया ताकि वो भी प्रोडक्शन करे. उसके अलावा जो गुड्स ऐसे बने जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही बिके जाएंगे. ठीक है, प्राइस फिक्सेशन पे कंट्रोल लाया गया और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थे उनके डिस्ट्रीब्यूशन पे भी ध्यान दिया गया. ठीक है, द रिफॉर्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर 1991 रिमूव्ड मैनी ऑफ दीज रिस्ट्रक्शंस. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि क्या क्या रिस्ट्रक्शंस थे, एक मिनट, ये जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए गए थे कि मतलब जो हमने पढ़ा था पहले, रिस्ट्रिक्शन दी गई थी कि जो भी स्टार्ट और क्लोज करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो कुछ प्रोड्यूस करेंगे. उसके अलावा प्राइवेट, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं किया जा रहा था ज़्यादा चीज़ें करने के लिए. ठीक है, प्राइस फिक्सेशन में कंट्रोल वगैरह थी, इन सब चीज़ों को हटाने के लिए 1991 के बाद ये सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई. अब देखो क्या क्या रिस्ट्रिक्शन हटाए गए. जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस थी उसको अबॉलिश कर दिया गया. तो लाइसेंस था वो रखा गया सिर्फ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट्स, जो हजार्डियस केमिकल्स थे और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स थे, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इन सब के लिए जो है लाइसेंस की ज़रूरत थी अभी भी. ठीक है,
उसके अलावा मैनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नाउ हैव डी रिजर्व, जो जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो भी प्रोड्यूस करती थी उनको उसको डी रिजर्व किया गया, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन एंड फॉरन एंड एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। द फाइनेंस सेक्टर्स इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो हम लोगों को पता है कि फाइनेंशियल सेक्टर को RBI ही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो RBI डिसाइड करता है कि बैंक अपने पास कितना पैसा रखेगा और कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, ठीक है, और कैसे लेंडिंग की हो, कैसे हम जो नेचर है कि कैसे हम लोन देंगे, लोन लेंगे, लोन मतलब डिपॉजिट लेंगे, ये सब कुछ RBI कंट्रोल करता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट द फाइनेंशियल सेक्टर मे बी अलाउड टू टेक डिसीजन विदाउट एनी मैटर विदाउट कंसल्टिंग द RBI। हाँ, इस ये जो था जिसमें हमें हर चीज़ में RBI की ज़रूरत थी, इसको भी अबोलिश कर दिया गया, और कोई भी जो बैंक है, जो सेक्टर है, वो खुद चीज़ें कर सकता था, मतलब RBI की कंसल्टेंस के बिना, ठीक है। मेजर जो एम यही था कि RBI का रोल हम थोड़ा सा रिड्यूस करें और उसमें थोड़ा सा रिडक्शन हमें देखने को मिला, ठीक। और बैंक को अलो कर दिया गया कि वो अपने ब्रांचेस खोल सकते हैं, उसके अलावा जो कुछ बैंक्स को ये भी परमिशन मिली गई कि वो अब्रॉड से भी अपना रिसोर्स जनरेट कर सकते हैं, अब्रॉड से रिसोर्स जनरेट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? सपोज़ कोई भी इंडिया का लोकल बैंक है, ठीक है, सपोज़ एनी लोकल बैंक ऑफ इंडिया और एनी लोकल बैंक ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री, फॉर एग्ज़ाम्पल कैनेडा, ठीक है। अगर इंडिया को लगता है कि उसके रिज़र्व में थोड़ी सी कमी है तो वो कनाडा के किसी बैंक से लोन ले सकता है, या तो फिर इंडिया कनाडा को ये बोल सकता है कि आप हमारे कुछ परसेंट शेयर खरीद लो, ताकि फ़िलहाल वो अपना फंड बनाकर अपनी ब्रांच को और फैला सके, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स सच एज मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इन सभी को भी अलाउ कर दिया गया कि वो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में कदम रख सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स आर कंसर्न्ड विद द रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज, ठीक है, विच आर कलेक्टिवली नोन एज फिस्कल पॉलिसी। जो भी हमारे टैक्स रिफॉर्म्स थे, जो डिपेंड करता था कि पब्लिक कितनी एक्सपेंडिचर पॉलिसीज है और गवर्नमेंट टैक्सेशन है, उसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। टैक्स भी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। ये तो अब इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो डायरेक्ट आपकी इनकम से काट दिए जाते हैं, ठीक है। 1991 में टैक्सेस में एक कॉन्टीन्यूस रिडक्शन देखने को मिला हमें, कि क्योंकि पहले के टाइम पे इनकम में जो टैक्स लगता था ना, वो काफ़ी हाई था, जो कि एक जिस जो एक बहुत बड़ा रीज़न बना कि लोग चाहते थे कि टैक्स में थोड़ी सी तो कमी आई, बिकॉज बहुत ज़्यादा टैक्स था, ठीक है। कॉरपोरेशन टैक्स का रेट भी काफ़ी हाई था, उसको भी रिड्यूस किया गया। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनका एस्टेब्लिशमेंट किया गया, ठीक है। 2016 से पहले पहले बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्सेस हुआ करते थे, ठीक है, बट 2016 में एक एक्ट आया, गुड एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2016, गुड एंड सर्विसेज टैक्स, तब एक ऐसा टैक्स आया जो सभी टैक्सेस को अपने अंदर इंक्लूड करता था। देखो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब हमारी कंट्री थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रही थी, तब छोटे 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 बहुत सारे अलग अलग तरह के टैक्सेस बनाए गए, ऐसा इनडायरेक्ट और इतने सारे, बट तब 2016 में एक टैक्स बनाया गया GST, और उस GST के अंदर ये सारे टैक्सेस को इंक्लूड कर दिया गया और एक ही पर्टिकुलर टैक्स रखा, विच वॉज GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये ज़्यादा सिंपल हो गया जब क्योंकि अब एक ही टैक्स था हमारे पास, तो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट वाला कंपोनेंट बन गया हमारी हमारी कंट्री में, ठीक है। और एक और भी ये था कि एरिया का सिंप्लीफिकेशन हो गया, हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं रह गई, ठीक है। अगला है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, ठीक है। जो सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म था वो द एक्सटर्नल सेक्टर, जो किया गया वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखो 1991 एज एन इमीडिएट मीजर टू रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, द रुपी वॉज डिवेल्यूएटेड अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। डिवेल्यूएट क्या होता है? देखो किसी का भी वैल्यू कम करना। अब आप
सोच रही होंगी क्या मतलब वैल्यू कम करना करेंसी की। देखो हम अगर हम बोले कि सपोज हमारी कंट्री का जो करेंसी है वो है, सपोज अगर सपोज जस्ट एन एग्जाम्पल कि अगर 1 डॉलर है तो वो है 50 रुपीज, सॉरी 80 रुपीज, ठीक है। अगर ये है तो हम डी वैल्यू करके उसको 50 रुपीज बना देते हैं। तब जब ये होगा तो इसका मतलब है कि कोई भी फॉरेन कंट्री, सॉरी जो जहाँ पे डॉलर यूज़ होते हैं वो हमारी कंट्री में ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम ये ऐसे देखें तो वो 1 डॉलर में 80 रुपये तक की चीज़ खरीद सकते थे, बट 1 डॉलर में अगर वो 50 रुपये तक की चीज़ खरीद पा रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद लेंगे इस पॉइंट पे कि उनको अभी, क्योंकि अभी जो है रुपये का रेट कम है तो उनका भी कम डॉलर यूज़ होगा, है ना। तो उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन इसीलिए खड़ी की जाती है ताकि हमारी कंट्री में थोड़ा फॉरेन रिजर्व्स में इंक्रीमेंट आए, ठीक है। इसके लिए ये सब कुछ किया जाता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द उसके बाद जब ये तब हुआ करता था जब मनी की क्या अमाउंट होगी वो गवर्नमेंट के हाथ में थी, ठीक है। ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमारी मर्जी की 80 में करने की 50 में। उस टाइम पे मनी की क्या वैल्यू है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती थी, ठीक है। रुपी की क्या वैल्यू है, सॉरी, बट आज के टाइम पे ये डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई में, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज पे हमारा कितना डिमांड और सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग हम रेट इंक्रीज या डिक्रीज होता है हमारे रुपी का। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। अब देखो, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिजीम वॉज इनिशिएटेड टू इंक्रीज इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस। हाँ, जब हम इंटरनेशनल लेवल में वो करेंगे तो हमारे कंपटीशन भी बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी और टेक्नोलॉजी भी आएगी इकोनॉमी में, ठीक है। तो इंडिया एक रिजीम फॉलो कर रहा था क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन का इम्पोर्ट्स में। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या होती है, मतलब सपोज अगर क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन है, सपोज कोई भी अगर अगर कोई भी ब्रांड के शूज़ आते हैं, ठीक है, कोई भी ब्रांड के शूज़ आते हैं तो हम बोलते हैं कि 1 साल में इस पर्टिकुलर ब्रांड के शूज़ सिर्फ 2000 यूनिट्स ही आएगी, ठीक है। ओनली 2000 यूनिट्स। इसमें ना हम आगे रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ये रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब सिर्फ 2000 यूनिट्स ही हम अलाउ करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। इन क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया, टैरिफ जो बहुत ज़्यादा थे इनको भी हटा दिया गया, ठीक है। अब देखो, हाँ, डिसमेंटल कर दिया हमने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन को इंपोर्ट्स में भी एक्सपोर्ट्स में भी, ठीक है। एक्सपोर्ट्स में भी ये था, फिर आया रिडक्शन ऑन टैरिफ रेट्स एंड रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट्स। ये जो लाइसेंसिंग प्रोसीजर था, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि लाइसेंसिंग का बहुत बड़ा प्रोसीजर था, इन प्रोसीजर्स को हटा दिया गया, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ भी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ में भी हम इतना चार्ज किया करते थे अगर आपको एक्सपोर्ट भी करना है उस टाइम पे, वो भी हटा दिया गया। एक्सपोर्ट तक करने के लिए भी हम चार्ज किया करते थे, ठीक है। अब आता है प्राइवेटाइजेशन। देखो, नाम इतना ईजी है, नाम में ही पता चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन मतलब चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर में भेजना। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि गवर्नमेंट उन चीज़ों में भी टांग अड़ा रही थी जिन जो उनको करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमने सोचा कि हम ये चेक करेंगे कि कौन सी डेट बाय विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ठीक है, और बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू किया कि हमारे जो जो ऑलरेडी प्राइवेट कंपनीज है उनको थोड़ा इंक्रीज करना शुरू किया और अपनी कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनको बेचना शुरू किया पब्लिक सेक्टर में, ठीक है। बेचना इन द सेंस कि सपोज कोई भी कंपनी है उसका 40% गवर्नमेंट लेती है और 60% लेती है प्राइवेट, तो वो कंपनी प्राइवेट बन जाएगी, ठीक है। तो जब हम ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का प्राइवेटाइजेशन करते हैं इसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। एनी डाउट, इजी, ठीक है। सो उसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब पूरी जो कंट्री कोई भी कंट्री पूरे वर्ल्ड के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करती है, पूरे
पूरी वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेशन करती है, इसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है क्रिएशन ऑफ नेटवर्क और एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, सोशल और जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, ठीक है। फिर कोई भी कंपनी, कोई भी, अगर कोई भी कंपनी है, ठीक है, तो वो सपोज इंडिया की कोई भी कंपनीज थी, तो उसने ग्लोबलाइजेशन किया और पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट किया, ठीक है। इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम हायर करते हैं किसी कंपनी को, किसी दूसरी कंपनी को हायर करते हैं अपना कोई काम कराने के लिए। सपोज़ आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि सपोज़ कोई भी, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, सपोज़ कोई भी पेन है, कोई कंपनी है जो पेन पब्लिश करती है, पब्लिश नहीं करती, सॉरी, पेन प्रोड्यूस करती है। तो वो कंपनी क्या करती है, जो उसका मेन चीज़ है, किसी भी पेन की मेन चीज़ क्या होती है, उसकी इंक, ठीक है। वो इंक को छोड़ के कोई भी अलग चीज़, सपोज़ कोई पेन है, तो उस पेन की जो कैप्स होती है, वो कैप्स वो किसी और कंपनी से जाके प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। और तो ऐसी प्रोसेस को जब वो अपनी चीज़ किसी और के पास जाके पब्लिश करवा रहा है, इज़ आउटसोर्सिंग, ठीक है, हायर कर रहे हैं हम उसको। तो इसके जो बेसिक एग्जाम्पल्स है वो है BPO, विच इज़ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, KPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, उसके अलावा अकाउंटेंसी, बैंकिंग सर्विसेज, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग, बुक ट्रांसक्रिप्शन, क्लिनिकल एडवाइस, और इवन टीचिंग इज बीइंग आउटसाइड बाय द कंपनी डेवलपिंग इन कंट्रीज विद इंडिया, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल में ट्रेड की, तो हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को कैसे भूल सकते हैं, विच इज़ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये 1995 में बनाया गया था, एक सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन बना ये टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गैट, ठीक है। गैट वॉज एस्टेब्लिश इन 1948 विद 23 कंट्रीज, ठीक है। तो WTO, देखो WTO का जो एक्सपेक्टेशन था कि WTO क्यों बनाया गया, WTO इसलिए एस्टेब्लिश किया गया ताकि वो पूरे वर्ल्ड में रूल बेस ट्रेडिंग रिजीम बनाए कि कैसे ट्रेड होगा पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस बनाए, ठीक है, ताकि कोई एक पर्टिकुलर नेशन ना वो हुए, ठीक है। इसमें हम, इसका मेन मोटिव था सारे टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाना और ग्रेटर मार्केट प्रोवाइड करना टू द ऑल मेंबर्स, टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। इंडिया हैज़ कैप्ट हिज कमिटमेंट टुवर्ड लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड मेड इन WTO बाय रिमूविंग क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स एंड रिड्यूसिंग टैरिफ रेट्स, ठीक। सो अब आता है अगला, इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म्स एंड असेसमेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर इस टेबल के थ्रू पढ़ेंगे हम, ठीक है। ग्रोथ ऑफ GDP, मतलब GDP ने क्या दिया, देखो 1981 में एग्रीकल्चर का सिर्फ 3.6% था, 1992 में और 2001 में 3.3, 2002 to 7 वॉज 2.3, 7 to 12 वॉज 3.4, 12 to 13 1.5, 2013 to 14 4.2, 14 to 15 -0.2, ठीक है। अब देखो कैसे एग्रीकल्चर का तो मतलब कुछ कितना बुरी हालत है, ये देखो एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में हमने शुरू से ये पढ़ा कि सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर सेक्टर में, पर देखो GDP का शेयर देखो आप लोग, ऐसी ग्रोथ हो रही है हमारी। इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखो 1980-91 में इट वॉज 7.1, 1992-2001 6.5, 2002-2007 9.4, 2007-2012 7.4, 12-13 3.6, 13-14 5, 14-15 7, थोड़ा इंक्रीमेंट है, इतनी इतनी बुरी हालत नहीं है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में देखे तो 6.7, नेक्स्ट 8.2, 2 to 7 7.8, 10 8.1, 7.8 एंड 9.8, ठीक है। इसमें काफ़ी काफ़ी तो नहीं, बट इसमें थोड़ी इंक्रीमेंट देखने को मिलती है।
जब इकोनॉमी हमने हमारी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बनाया तो हमें रैपिड इंक्रीमेंट देखने को मिला डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में और एक्सचेंज रिजर्व्स में। ठीक है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थे उसमें FDI और FII भी इंक्लूड थी, जो 1,100 मिलियन डॉलर से, मतलब 100 मिलियन डॉलर तक, 100 मिलियन डॉलर से 30 बिलियन डॉलर तक इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला 1991 से 2017-18 में। ठीक है, अगला टॉपिक है ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। जब GDP का ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा है रिफॉर्म पीरियड में, तो ऑफकोर्स ग्रोथ भी होगी और एम्प्लॉयमेंट में मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी होगी कंट्री में। ठीक है, रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कुछ इतना कुछ अच्छा हमें ग्रोथ देखने को मिला ही नहीं रिफॉर्म्स में, कोई भी बेनिफिट एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए नहीं देखने को मिला। ठीक है, जो भी हमारा क्रूशियल, मतलब जो भी हमारी इरिगेशन थी, पावर, रोड, मार्केट, लिंकेज, इन सभी में एक हमें ये सभी में डिक्रीमेंट देखने को मिला, इंक्रीमेंट हमें किसी में नहीं देखने को मिला। ठीक है, फर्टिलाइजर सब्सिडी से जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई सॉरी, जिसकी वजह से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को काफ़ी प्रॉब्लम देखनी पड़ी। ठीक, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी स्ट्रेटजीज थी एग्रीकल्चर में, उसके वजह से प्रोडक्शन डोमेस्टिक मार्केट में जो है वो थोड़ा एक शिफ्ट देखने को मिला। ठीक है, जो एक्सपोर्ट मार्केट थे उस पे, मतलब कैश क्रॉप पे ज़्यादा फोकस किया गया और फूड ग्रेन्स पे अभी भी कोई देखने को नहीं मिला हम लोगों को। ठीक है, रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्रीज, दिस इज़ ये, इसमें भी आपको ना एक स्लो डाउन ही देखने को मिलेगा, बिकॉज कंपटीशन आ गया, लोगों को चीपर चीज़ें मिलने लग गई इंटरनेशनल ब्रांड में, इंटरनेशनल जो भी शॉप्स, मतलब मार्केट आया इंटरनेशनल मार्केट जब इंट्रोड्यूस किया गया, तो डोमेस्टिक मार्केट जो था उसको कंपटीशन ही इतना फेस करना पड़ा ऊपर से, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऑप्शंस, इतने सारे ऑप्शंस मिल गए कंज्यूमर को, इसीलिए इसमें भी हमें कमी देखने को मिली। जबकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज थी, उनको एक ना डायरेक्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जो बिल्कुल डेवलप्ड कंट्रीज थी उनका एक्सेस नहीं था मार्केट में, उधर अभी भी उनको हाई नॉन टैरिफ बैरियर्स फेस करने को ही मिल रहा था। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट, एवरी ईयर द गवर्नमेंट फिक्स द टारगेट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSEs, कि कितना डिसइन्वेस्टमेंट करेगी गवर्नमेंट, इसका ना एक फिक्स रेट होता है जो गवर्नमेंट सेलेक्ट करके रखती है। ठीक है, तो 1992 में इस वॉज 2,500 करोड़ ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट किया था गवर्नमेंट ने। ठीक है, ऐसे ऐसे, तो इसकी वजह से जो है एक काफ़ी लॉस भी देखने को मिलता है गवर्नमेंट को भी, और पब्लिक एसेट्स में भी थोड़ा सा कमी हो जाती है, कमी तो नहीं हो जाती बट थोड़ा सा मतलब डिक्रीमेंट होता है। ऑफ सेट द शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट रेवेन्यू में शॉर्टेज देखने को मिल सकती है क्योंकि गवर्नमेंट इतना डिसइन्वेस्टमेंट करती है ताकि प्राइवेट सेक्टर थोड़ा इंक्रीज कर सके। उसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, उसमें भी थोड़ा सा हमें फ़र्क देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है रिफॉर्म्स एंड फिस्कल पॉलिसी। रिफॉर्म्स और फिस्कल पॉलिसी का भी नेगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ा हमारे डेवलपमेंट और वेलफेयर एक्सपेंडिचर में। ठीक है, सो हेयर इज इट द कंक्लूजन। कंक्लूजन हमें अभी यही बताता है कि कैसे हमने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की कैसे पॉलिसीज थी, उसने पॉजिटिव भी इफेक्ट आया बट एज वेल एज नेगेटिव भी हमें इफेक्ट देखने को मिला। किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हमें इनके भी दो पहलू देखने को मिले। जो हमारे छोटे छोटे वर्कर्स थे वो तो वहीं डूब गए, हमारे तो आगे ही नहीं बढ़ पाए वो। ठीक है, ऐसे ऐसे कहीं, बट कहीं ना कहीं हमें वो भी देखने को मिला कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी में इधर थोड़ा इंक्रीमेंट भी हमें देखने को मिला। ठीक है, सो हियर डेट इज़ इट फॉर चैप्टर 3 एज वेल। सो थैंक यू वेरी मच।